आई एम करणवीर बेरवाल। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.2 के 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन? द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/2 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा कि क्या इसमें गिवन है, क्या इसमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एक आइसोस्केल ट्रेंगल गिवन है, वो क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। आइसोस्केल ट्रेंगल वो होती है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। ये हमारी एक ट्रेंगल हुई, ये हमारे पास हमने मान लिया एक्स है। इसको भी ये भी क्या होगी फिर एक्स, और बेस हमें गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। हमने इस प्रकार ये करना है और हमें एक्स की वैल्यू अब फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? लेट दी साइड लेट दी लेट इच इक्वल साइड बोलो, इससे बेटर रहेगा। क्या लिखेंगे हम? लेट इच ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ये हमने एक्स मान लिया। अब बेस ऑफ ट्रेंगल, बेस ऑफ ट्रेंगल का मतलब है कि हमें एक साइड गिवन है, वो साइड क्या है हमारी? 4/3। पैरामीटर पैरामीटर ऑफ
ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है? ये हमें गिवन है, तो गिवन है तो पहले इसको लिखेंगे 4 सही 2 बाई 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 की 4 के साथ मल्टीप्लाई और 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा ये 62 बाई 15 सेंटीमीटर इज गिवन। पैरामीटर होता क्या है, हमें ये ट्रेंगल गिवन है, तो चारों तीनों ट्रेंगल के अंदर होती है 3 साइड, सम ऑफ 3 साइड इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ ट्रेंगल। ट्रेंगल की तीनों भुजाओं का सम क्या कहलाता है? पैरामीटर, यानी कि परिमाप। इस ट्रेंगल का फॉर्मूला क्या हुआ पैरामीटर का? तीनों साइड को ऐड कीजिए, x प्लस 4 बाई 3 इक्वल टू 62 बाई 15 गिवन है। x x 2x प्लस 4 बाई 3 इक्वल टू 62 बाई 15। यहां तक सिंपल है। अब क्या करेंगे हम, यहां में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4 बाई 3 को हम यहां से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाई 4 बाई 3। 4 बाई 3 को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, यानी कि 2x प्लस 4 बाई 3 माइनस 4 बाई 3 इक्वल टू 62 बाई 15 माइनस 4 बाई 3। 4 बाई 3 से 4 बाई 3 कैंसिल, क्या बचा? 2x इक्वल टू 62 बाई 15 माइनस 4 बाई 3। एलसीएम लेंगे इधर हम, कितना आएगा इसका? 15। 15 को 15 से डिवाइड किया, 1 1 की मल्टीप्लाई 62 के साथ क्या आएगा? 62। माइनस 15 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 5। 5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा? 20। तो ये इधर है 2x, 62 में से 20 गया तो कितना रिमेनिंग रहेगा? कितना इजी है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 6 माइनस 4 2 बाई 15। अब यहां से हमें 2 को रिमूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2x बाई 2 इक्वल टू 42 बाई 15, ये 2 से इधर भी डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल, यहां से 2 को इस पर कैंसिल करेंगे 21, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो क्या रिमेनिंग रहा? 7 बाई 5। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 एकम 5, 2 बाई 5, ये हो गया। इसका मतलब हैंस हैंस इच इक्वल साइड आर साइड ऑफ ट्रेंगल, बोलो ऑफ ट्रेंगल इज 1 सही 2/5 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही।